वेलकम बैक। वेल, अगर मैं बात करूं टेरा लूना क्लासिक की, तो ये बात याद रखिएगा कि 1 ट्रिलियन कॉइन जो है वो लगभग इनके पास स्टेकिंग के अंदर चले गए हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बाइनेंस जो है वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन लगाई जा रही है कि भैया लूना क्लासिक जो है वो लगभग $1 को हिट करता हुआ हमें नजर आ सकता है। सेंटिमेंट जो है वो इसके बुलिश है, ठीक है, बिकॉज 1 ट्रिलियन कॉइन्स का मतलब ये है कि लगभग $100 मिलियन जो है वो वर्थ के टेरा लूना क्लासिक इस वक्त स्टेकिंग के ऊपर है, ठीक है। मजीद आगे बढ़े इससे पहले एक और चीज जो है वो बड़ी गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अपकमिंग आने वाली उन तमाम वीडियोज को क्या करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हमने थोड़ी सी सेटिंग की है, ठीक है। बात ये कि यानी कि अगर आप यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो आप इजीली फ्री में जो है वो क्या कर पाएंगे, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम हम अगली वीडियो के अंदर रिलीज करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट जो आप क्या करोगे, मिंट कर पाओगे अपने खुद के डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर, जहां पर आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ना ही किसी किस्म का कोई पैसा लगाना है, आप फ्री में उसे अर्न कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस को जो इससे भी 1 महीने के अंदर, ठीक है, आप ट्रायल करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वो तमाम की तमाम गाइडलाइन जो है मैंने अपकमिंग आने वाली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कीजिएगा आप हर एक वीडियोस को वॉच करेंगे तो बीच में किसी भी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री में अर्न करने का मौका है और कॉइन मिलेगा आपको टॉन कॉइन, ठीक है। एयरड्रॉप के लिए भी आपको पता ही चल जाता है कि भैया टॉन कॉइन की जरूरत पड़ती है और इजीली क्या होगा कि भैया आप इजीली टॉन कॉइन को अर्न कर लोगे, ठीक है। और भी दूसरे मीम प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपको देख लेनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट टॉन कॉइन तो मिलेगा जिसकी वर्थ है, वैल्यू है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बातें तो चलो चलती रहेगी। अब टेरा लूना क्लासिक के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो है ना बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग को लेके आपको टेरा लूना क्लासिक के अंदर मिल रही है, ठीक है ना। अब इसका बर्निंग जो मैकेनिज्म जो है वो उसकी वजह से इसके अंदर क्रैश आया था, ठीक है, सॉरी, इसका जो इकोसिस्टम है वो जो है कहीं ना कहीं लैग कर गया, जिसके बाद पूरा का पूरा प्रोडक्ट के अंदर इसके क्रैश आया। लगभग $110 के बाद जो है वो अब 0.0088 के ऊपर प्राइस चल रही है, ठीक है। अब सवाल ये कि क्या ये $1 को हिट करता हुआ नजर आ सकता है या क्या ये पॉसिबिलिटी, ये गुंजाइश मौजूद है, तो ये हम आगे बात करें। लेकिन इससे पहले देखो, इस वक्त हर एक एक बंदा जो है ना टेरा लूना के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डेली की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद में या हाई लेवल का मार्केट वॉल्यूम ट्रेडिंग के अंदर मिलता है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि भैया उस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस अप्रिशिएट करेगी ही करेगी, क्योंकि प्राइस जो बढ़ती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद है, जिसके अंदर एक ये फैक्टर भी मौजूद है कि भैया जिस प्रोजेक्ट के अंदर डेली की बुनियाद के ऊपर ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसकी प्राइस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा इसके अंदर। आपको ये बात, यहाँ पर बाइनेंस भी जो है ना अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बाइनेंस का भी पैसा लगा हुआ था, वो भी डूबा है, ठीक है। अब उसको फिक्र हो गई कि भैया दुनिया का डूबता है लेकिन मेरा पैसा डूब गया, तो मतलब भैया इसको दोबारा से रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है। सारी की सारी एफर्ट्स काविश जो चल रही है वो इसको रिवर्स करने के लिए, यानी कि बैकअप प्लान करने के लिए, भैया किसी भी सूरत जो है वो ये बैकअप में आ जाए ताकि भैया पैसा रिकवर हो जाए, ठीक है। तो अब सिंपल सी अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस वक्त 1 ट्रिलियन कॉइन जो है वो क्या हो गए, स्टेकिंग के अंदर चले गए। अब उसके बाद जो है वो सेकंड टारगेट जो चल रहा है वो 2 ट्रिलियन कॉइन्स का चल रहा है, ठीक है ना। यानी कि $100 मिलियन वर्थ के जो है वो क्या होगा, टेरा लूना जो है वो स्टेक हो चुके हैं। अब $200 मिलियन के जो है वो स्टेकिंग की तैयारी की जा रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस कॉइन की टोटल नंबर ऑफ सप्लाई की, मैं बात कर रहा हूँ तो $6.84 ट्रिलियन कॉइन है, जिसके अंदर से जो है वो लगभग 2 ट्रिलियन जो है वो ऑलरेडी कहाँ पर हो गए, स्टेकिंग में हो गए, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टाइम में जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये अभी 100% प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि भैया इसके अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ सप्लाई, यानी कि कॉइन्स की क्वांटिटी जो है ना वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। अब आपने ये सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भैया अब इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के अंदर इंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसको पहले बताएं, प्रोजेक्ट के अंदर अमूमन अब ज्यादातर जो है वो न्यूबी पर्सन जो है ना वो इंटर कर चुके हैं, ठीक है, जो फ्रेश लोग हैं
उनकी एक मेंटेलिटी के भैया मैंने 1,00,000 पॉइंट ले लिए, अगर ये $1,00,000 के $1 के ऊपर भी चला गया, विच मीन्स कि मेरे पास $1,00,000 हो गए, मैंने टाटा को, अंबानी को और जो है वो इलॉन मस्क जैसे बंदे को पीछे छोड़ देना, भैया मिलीनियर बन जाना है, मैं फिर राजा बन जाऊंगा, ठीक है ना, सिविक, गाड़ी, बंगला, आईफोन सब कुछ आ जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि आपने तो चलो 10,000-50,000 डॉलर ही इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने, वेल्स ने इसके अंदर अच्छा खासा पैसा जो है वो इंटर किया हुआ है, ठीक है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि भैया इसकी प्राइस जो है वो एटलीस्ट $1 को जाएगी कि नहीं जाएगी, ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अब इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वर्जन जो चल रहा है वो 3.0.1 चल रहा है, ठीक है ना। अब मजीद अपग्रेडेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है बर्निंग मैकेनिज्म टाइम टू टाइम चल रहा है। अब यहाँ पर जो है वो इसकी प्राइस जो $1 को हिट करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कब करेगी, कैसे करेगी, ये तमाम के तमाम जो है वो साइंस है, ये हमने आगे अपकमिंग वीडियो के अंदर में ये डिस्कस, तो मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पर ये एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, देख लो, समझ लो और उसके बाद क्या होगा, आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ों का पता चल जाएगा कि भैया इसकी प्राइस है वो इतनी हो गई है और इतनी जाएगी और कब जाएगी और पीछे फैक्टर क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो ये $1 को जा सकती है, ठीक है। और अगर $1 से पहले पहले भी एग्जिट करते हैं तब भी कब एग्जिट करना है, अगर आप इंटर करना चाह रहे हैं तो आपको किस किस लेवल के ऊपर बाय करना है, कब कहाँ इंटर करना है, $1 को भी नहीं जाते तो एटलीस्ट इसका मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता ही कि भैया $1 से $100 तो नहीं जा सकता, ठीक है। अब $1 या फिर $1 से नीचे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर कीजिएगा आपने इस वीडियो को लाजिम देखना है। दूसरा, अब दोबारा से बताना चलूंगा, वही किसी भी किस्म की आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करनी है, फिर ही पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करना है, बिकॉज हाईली वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है ना। आपने 2-3 काम करने हैं, क्या करना है, एक तो मैंने आपको बताई दी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा कि आपको अपकमिंग वीडियोस को जो है ना रेगुलर देखना है, 1 महीने तक आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे, रिवील करेंगे कि आपको पूरी वॉच करने के बाद वॉच टू अर्न वाला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं, ठीक है ना। तो आप पूरी की पूरी जब वीडियोस को वॉच करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या होगा, ये कि आपके वॉलेट के अंदर कॉइन जो है वो मिंट होना शुरू हो जाएंगे फ्री में, ठीक है ना। जिसके लिए मजीद अपडेट डिस्कशन जो है हम कर लेंगे कहाँ पर, आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।